हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर के आया हूँ। सो वो अभी दिखाने वाले हैं दोस्तों। और अपने पास जो दोस्तों सेटिनेट की फीमेल थी, उसके लिए एक मेल लेकर के आए हैं, वो देखिएगा। इसकी पहले खूबसूरती चेक कीजिएगा। ये देखिएगा, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करते हैं दोस्तों, दिखाते हैं अभी आपको फटाफट से। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम अपने सुपर लॉफ्ट के अंदर हैं। तो अभी आपको दोस्तों दिखाते हैं जो अपने पास दो सेटिनेट की फीमेल पड़ी हुई थी। आप लोगों को पहले से ही पता है और काफी दिनों से दोस्तों व्लॉग वगैरह हम नहीं शूट कर रहे हैं, बट दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों कि मुझे मन किया कि चलो ब्लॉग शूट करते हैं। तो वो दिखाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अपने पास ये देखिएगा सेटिनेट जो मेल लेकर के आए हैं, ये देखिएगा, ये पकड़ लिया दोस्तों। सो दोस्तों अपने पास पहले से ही सेटिनेट फीमेल थी, उसके लिए दोस्तों ये देखिएगा अभी सेटिनेट मेल लेकर के आए हैं। और दोस्तों अभी जो अपनी फीमेल है वो अपने ओल्ड वाले लॉफ्ट में, उसको दोस्तों यहाँ पर लाएंगे और उनका इनका दोस्तों किस तरीके से जोड़ा वगैरह लगाएंगे, पेयरअप करेंगे, वो दिखाने वाले हैं। तो पहले दोस्तों क्या करते हैं, पहले आपको इसका शौक कराते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, एक बार इसका शौक कीजिएगा अच्छे से। ये देखिएगा, ये अपनी ये मेल लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये काफी छोटे होते हैं दोस्तों, पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग भी इन सब कबूतरों की ब्रीड वगैरह रखना चाहते हैं, छोटे कबूतर देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके के न्यू नए नए जो भी दोस्तों फैंसी पिजन होंगे और हाई फ्लायर पिजन होंगे, हर तरीके के कबूतर अपने पास आने वाले हैं और भी सारे बर्ड आने वाले हैं। तो पहले दोस्तों इसको रिलीज करते हैं और फिर चलते हैं सीधा ओल्ड वाले लॉफ्ट में, इसकी जो फीमेल है वो लेके आएंगे यहीं पे दोस्तों, और इनका किस तरीके से पैर लगाते हैं वो दिखाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, पहले इसको यहाँ पे रख देंगे, ये छोड़ दिया इसको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बॉक्स जिस तरीके से ये ऊपर अभी लगे हुए हैं, ये आप लोग देखिएगा ब्रीडिंग के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे होते हैं। और इनकी जिस तरीके से ब्रीडिंग हो रही है देखिएगा, इसमें भी एक फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। ये देखिएगा ऊपर वाली में फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है, इधर साइड में दो बच्चे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। और इधर साइड में ये वाला एक फीमेल है दोस्तों, ये वाली, इसके पास भी अंडे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं एक बच्चा है, जो कि दोस्तों अभी दिखाते हैं उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, ये देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे जो बॉक्स होते हैं इनमें दोस्तों ब्रीडिंग करवाने में, ये देखिएगा इसके अंदर बैठा है ये पट्टा। और इसकी भी दोस्तों जो हेल्थ है वो काफी अच्छी है, ये देखिएगा इसकी जो ग्रोथ हो रही है काफी अच्छी है दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को काफी ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके के बॉक्स वगैरह लगाइएगा अपने लॉफ्ट के अंदर। इसमें क्या दोस्तों, जगह भी बहुत कम लगती है, इस तरीके की पेटी रखने में दोस्तों काफी ज्यादा जगह लगती है, और ऐसे बॉक्स रखते हैं तो इनमें जगह भी कम लगती है और ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिस तरीके से अपने पास काफी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। तो अभी दोस्तों अपने जो बॉक्स कुछ लगने बाकी है उनका भी कटे हुए वो दिखाते हैं, चलिएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये ढेर सारे बॉक्स कटे हुए पड़े हैं, और अभी इनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इस पे जो प्राइमर होता है जिससे जंगाल वगैरह नहीं लगेगी, वो वाला कलर होएगा प्राइमर। उसके बाद दोस्तों इस पे जो अपना जिस तरीके से इस पे सारा कुछ नीला कलर हुआ पड़ा है वही कलर करेंगे। तो साइड में रख देते हैं, ये देखिएगा इसकी कुछ इस तरीके से कटाई होती है। और अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने कटे हुए हैं, ये देखिएगा। ये एक बॉक्स होता है दोस्तों पूरा कम्प्लीट कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा पूरा एक बॉक्स होता है वो इस तरीके से कंबाइंड होता है पूरा, ये देखिएगा इस तरीके से बंधा हुआ होता है। तो इसको ऐसे काटने के बाद ऐसे ऐसे काट लीजिएगा तो ये पूरा बन जाएंगे इसमें बॉक्स, और इनको दवाल में इस तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों इतना गैप हो जाता है, इसमें अंडे बच्चे बहुत ही आराम से हो जाएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे जो बीट में पानी वगैरह होता है उसको निकलने के लिए यहाँ पे दो तीन सुराख कर देने हैं आपको, जिससे इसमें गंदगी नहीं रहेगी, सूखा रहेगा। और जब भी गंदगी ज़्यादा हो जाए तो इसको बुल्ट से खोल लेना है और झाड़ देना है। तो यहाँ पर इनको साइड में करते हैं, आप चलते हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाने वाले हैं अपनी जो सेटिनेट वाली फीमेल है वो वहां से लाएंगे दोस्तों ओल्ड वाले लॉफ्ट से, और उसको अपने सुपर लॉफ्ट में डालेंगे। सो अब दोस्तों चलते हैं अपने ओल्ड वाले लॉफ्ट में, जो सेटिनेट वाली फीमेल है दोस्तों उसको उठा के लाएंगे, और अपने यहाँ पर जो सेटिनेट वाला अभी नर लेके आए हैं उसके साथ उसको रखेंगे। तो अभी जाते हैं ओल्ड वाले लॉफ्ट में सीधा। साइको जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा। फाइनली दोस्तों देखिएगा अभी हम लोग ऊपर आ गए अपने ओल्ड वाले लॉफ्ट में। तो साइको देखिएगा किस तरीके से ऊपर आने के लिए कर रहा है, दिखाइएगा जरा। अब बेटा कम ऑन, ये देखिएगा अगर दोस्तों जीना वगैरह होता तो फटाक से चढ़ाता है, ये बांस की सीढ़ी है तो इसको वो चढ़ नहीं सकता है, ये देखिएगा। और हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों अपनी जो सेटिनेट वाली फीमेल है वो लेने के लिए, तो अभी देखते हैं उसको, अभी निकालते हैं। सो फाइनली दोस्तों अभी मैं अपने सुपर लॉफ्ट में था जहाँ पे आपको नर दिखाया, और अभी मैं आ गया हूँ अपने ओल्ड वाले लॉफ्ट में जहाँ से हमने कबूतरबाजी को स्टार्ट किया था। तो ये देखिएगा दोस्तों कितना छोटा सा अपना जो कि पुराना दरबा हुआ करता था, जिसको लॉफ्ट बोलते हैं दरबा, जो कि जो भी कुछ था अपना छोटा सा यही था दोस्तों। इसकी एक बार आपको अंदर से अच्छे से कंडीशन दिखाया जो कि आपको पता लगे कि अपना जो पहले वाला, काफी लोग जानते हैं जो पहले से देखते हैं, और जो नए दोस्तों वो अब देख लें। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार सा था दोस्तों, जो कि आप देखिएगा इस कोने से, और कुछ ऐसे दिखता है इधर से, और कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों इधर से। और इसमें दोस्तों हमने काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग ली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कि ऊपर ये छत थी दोस्तों ये मिट्टी की थी इसी वजह से, और उसमें दोस्तों भी पतरे वगैरह डले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये एक अंडा पड़ा हुआ है,
और ये जोड़ अपना जो फेवरेट जोड़ है दोस्तों, इसको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट दोस्त जोड़ है दोस्तों। देखिए काले सिए, बिल्कुल काले हैं दोस्तों, और काफी अच्छी इनकी लंबाई है, जैसे कि आप लोगों को अभी दिखाई दे रही होगी। इनकी लंबाई बहुत ही अच्छी लंबाई है और पूरा सेम जोड़ है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं अभी पूरा जोड़ जो कि दोस्तों सेम है बिल्कुल। ये देखिएगा, और यहाँ पर बैठिए दोस्तों अपनी जो जो फीमेल लेने आए हैं, यहाँ पर देखिएगा। अभी इसको साइड में करते हैं। ये देखिएगा फीमेल दोस्तों जो कि अपनी सेटी नेट वाली बैठी हुई है, इसी के साथ इसका जोड़ लगा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, इसके नर को निकालते हैं, दिखाते हैं आपको, और फीमेल लेके चलते हैं, सीधा जोड़ लगवाएंगे वहां पे। पकड़ लें एक बार, छोटा सा लोफ है अपना पहले वाला। तो ये देखिएगा जिस तरीके से दोस्तों आपको नर दिखाया था, वो इसमें उसमें तितली कलर जैसा था, बट ये दोस्तों हरे जैसे होते हैं, उसी टाइप में अपनी। बट दोस्तों ये भी प्योर एकदम सेटिनेट है, ये देखिएगा। और अभी किसके साथ ये लगी थी वो भी दिखाते हैं आपको, वो नर दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों प्योर सहजानपुरी है इसकी, एक बार आंख पे फोकस कीजिएगा। और ये देसी अपना सहजानपुरी है, उड़े हुए कबूतर है ये दोस्तों, फैंसी कबूतर है। बट दोस्तों इनका जोड़ लगा हुआ था, लेकिन आज से ये जोड़ हम तोड़ रहे हैं। ये देखिएगा, इसका तोड़ दिया है, ये नर यहाँ पे छोड़ दिया है। और इस मादी को लेकर चलते हैं इसके असली नर के, जिससे दोस्तों इसके बच्चे निकलवाएंगे वो दिखाते हैं अभी। चलिएगा फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। सो आ गए दोस्तों अपने सुपर लॉफ्ट के छत पे। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों इतने ढेर सारे कबूतर अपने बाहर ही निकले हुए हैं। अच्छा तो अभी दोस्तों इसको, तो अब दोस्तों इसको मिलवाते हैं जो कि इसके लिए नर लाए थे। ये देखिएगा सेटी नेट। आजा बेटा, आजा 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 आजा, भागना भागना, ओए भागना। सो पकड़ लिया दोस्तों अभी इसका जो नर था वो देखिएगा। सो ये दोस्तों अब कंप्लीट बना है हमारा पेयर, जिस तरीके से एक कबूतर होना चाहिए। ये देखिएगा दोस्तों कंप्लीट पेयर बना लिया है अपना, जो कि जिस तरीके से सेटी नेट का पेयर होता है। देखिएगा अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा क्लोज करिएगा। ये देखिएगा, सो ये देखिएगा दोस्तों इनकी जो क्वालिटी है सेम है। इसके भी दोस्तों ये देखिएगा चोटी बनी हुई है, और इसके भी यहाँ पर चोटी बनी हुई है, और ये भी दोस्तों टाई लगाए हुए है, और ये अपनी जो फीमेल है दोस्तों ये भी टाई लगाए हुए है। फर्क दोनों में डिफरेंट जो भी है, ये तितली की बनावट होती है, इसको दोस्तों तितली छाप बोलते हैं सेटी नेट, और ये दोस्तों हरे सेटी नेट जिस तरीके से होते हैं उसमें का है। बाकी कलर भी सेम है दोनों का। ये देखिएगा इसके बंद पड़े हुए हैं, और ये दोस्तों तितली छाप है, ये नर मंगाया हुआ है हमने दूसरी जगह से, और ये वाली जो फीमेल है दोस्तों ये अपने पास पहले से ही थी। तो अभी आपको पूरा कंप्लीट जोड़ दिखा दिया है, ये देखिएगा इस तरीके से है ये दोस्तों अपना जोड़। तो अब दोस्तों इनको करने वाले दोस्तों, वो वाला जोड़ तो टूट गया, अभी इसके साथ जोड़ लगाने के लिए दोस्तों कुछ अपने को खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कोने में एक ये जो लॉफ्ट पड़ा हुआ है, ये देखिएगा जो छोटा सा पिंजरा पड़ा हुआ है, तो इसमें दोस्तों इसको डाल देंगे। ये देखिएगा तो तभी दोस्तों इसका बढ़िया से जोड़ लग जाएगा इस तरीके से। ये देखिएगा तो इस फीमेल को इसमें दोस्तों डाल दिया है, ये देखिएगा, और नर गुटकना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे ही दोस्तों फीमेल को और नर को इसके अंदर छोड़ा, तो जैसे ही दोस्तों फौरन से नर गुटकना स्टार्ट कर दिया। अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा इसको बीच में रखते हैं, फिर देखते हैं गुटकता है या नहीं गुटकता है। जी देखिए, सो ये देखिएगा दोस्तों अपना जो नर है दोस्तों वो गुटकना स्टार्ट कर दिया है, ये देखिएगा आप लोग। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दोस्तों अपने को नर मिल गया है, ये देखिएगा। अभी इसको अच्छे से दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा नर दोस्तों गुटकना स्टार्ट कर दिया है। और इसी तरीके से दोस्तों अपना ये जो जोड़ है दोस्तों वो लग जाएगा, अभी इस पिंजरे में हमने छोड़ दिया है, और अभी देखिएगा दोनों निकलने की कर रहे हैं। बट दोस्तों इनका जोड़ हम इस तरीके से ही लगाएंगे। सो अगर दोस्तों आप लोग को भी कहीं से भी कोई भी जोड़ लगाना चाहता है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी जोड़ लगा सकते हैं। कोई भी बड़ा सा पिंजरा हो या दोस्तों कोई भी पेटी हो, जैसे हमने वो वाली पेटी भी जोड़ लगाने वाली ही बनाई थी, वो देखिएगा। जैसे दोस्तों वो वाली पेटी जो दिखाई दे रही है आपको, वो भी हमने जोड़ लगाने के ही लिए बनाई थी, और अब दोस्तों उसमें किसी फीमेल ने अंडे रख दिए। तो अभी ये देखिएगा ये जोड़ यहाँ पर लग रहा है, और बहुत ही प्यारा है दोस्तों। अगर ये दोस्तों कबूतर आप लोगों को रियल में अच्छे लगे हो और ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और अब भी इसी तरीके के फैंसी कबूतर और हाई फ्लायर कबूतर देखना चाहते हैं, और भी तरीके के न्यू बर्ड देखना चाहते हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बर्ड और फैंसी कबूतर सभी कुछ आने वाले हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो को यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं, और कैसे लगे आपको ये कबूतर हमारे, जो कि लाजमी बताना कमेंट में। सो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।